प्रिय मित्रों नमस्कार, ज्योतिष मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच एस रावत और आजकल हम आपको जानकारी दे रहे हैं सितंबर महीने की मंथली राशि की प्रोडक्शन, आपकी राशियां कैसी रहेंगी। अभी तक हमने मेष से सिंह तक की जानकारी दी है, आज हम आपको जानकारी देंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, आपकी राशि के अंदर बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और जब बृहस्पति गोचर करते हैं तो अच्छा फल देते हैं। एक अच्छा साइन है आपके लिए, पत्नी स्थान का स्वामी सुख साधन का स्वामी आपकी राशि में है, इसलिए इस समय कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए समय अच्छा है। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो वो समय भी आपके लिए अच्छा है। मान सम्मान को चुनाव जीतना चाहते हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और पत्नी के माध्यम से भी आपको शौहरत मिलने का योग बनता है। लेकिन ये योग आपको 12 सितंबर तक ही मिलेगा। 12 सितंबर के बाद आपका बृहस्पति दबाव पर चला जाएगा, पत्नी के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होने का योग, परिवार में जो तनाव चल रहा था उसमें राहत मिलेगी। आपके धनभाव और आपके भाग्य का स्वामी शुक्रदेव ये विदेश स्थान पर हैं राहु के साथ, पितृदोष और कालसर्प दोष में हैं। ये 15 सितंबर तक चलेंगे। 15 सितंबर तक आपका भाग्योदय लाभ इन सब में अच्छा रहेगा, लेकिन 15 सितंबर के बाद में शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, धन का नुकसान हो सकता है, भाग्य की हानि हो सकती है, पिता के स्वास्थ्य में खराबी हो सकती है, थोड़ा कहीं ना कहीं बदनामी का दाग भी आ सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स यहाँ पर हो सकते हैं, मंगलिक योग का प्रभाव भी यहाँ पर बनेगा। बात करते हैं आपके राशि के स्वामी की। आपकी राशि का स्वामी बुध 26 सितंबर तक बारम भाव में चलेगा, अच्छा नहीं है। कैरियर में थोड़ा तनाव, स्वास्थ्य में थोड़ा तनाव, 26 सितंबर को ये राशि परिवर्तन करके अपने घर में आ जाएंगे तो आपकी राशि के अंदर बृहस्पति और बुध का ये बहुत ही सुंदर एक योग यहाँ पर बन रहा है। और इस योग के बेनिफिट आपको ये मिलेंगे कि आपको भद्र नाम का महापुरुष राजयोग मिलेगा, एजुकेशन फील्ड में जबरदस्त लाभ मिलेगा, आईएएस आईपीएस जैसे एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी होगी और मान सम्मान में प्रोग्रेस होगी, आपकी प्रमोशन हो सकती है, एमएलएमपी मिनिस्टर बन सकते हैं और आपका ज्योतिष ज्ञान भी उच्च श्रेणी में आ जाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि दोनों शुभ ग्रह दोनों दिशा बल लेकर के यहाँ पर बैठे रहेंगे, आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति यहाँ पर बन जाती है। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि बृहस्पति 12 तारीख को चेंज कर जाएंगे, तो इसलिए बुध का अपने घर में बैठना, दिशा बल लेके बैठना, ये आपके लिए बड़ा उत्तम योग यहाँ पर बना हुआ है। शनि की अगर हम बात करते हैं तो शनि मार्गी है और ये एजुकेशन स्थान को देख रहा है। अगर आपकी एजुकेशन में कोई रुकावट आई थी तो आप दोबारा पेपर दे दीजिएगा और उस पेपर को देने के बाद आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। यहाँ पर पितृदोष और कालसर दोष यहाँ बना हुआ है, इसका पूजा आप करा सकते हैं, इस पूजा को कराने के बाद आपको लाभ मिलेगा। मित्रों ये था कन्या राशि की स्थिति। कन्या राशि की स्थिति काफ़ी अच्छी है। 12 सितंबर तक बृहस्पति चलते रहेंगे, बृहस्पति चेंज हो जाएंगे तो फिर उसके बाद में बुध आ जाएंगे और ये एक अच्छा योग बनता है और बुध के बाद सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे तो ये कह सकते हैं कि आपकी राशि के अंदर एक अच्छे अच्छे योग आ रहे हैं। जो भी आप काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये था कन्या राशि का राशिफल। आप भी जानना चाहते हैं अपने बारे में तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। 19, 20, 21, 22 अगस्त को मैं मुंबई में रहूँगा, बिले पार्ले वेस्ट में। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं तो आप मुझे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। अभी समय आपसे ले लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे तुला राशि की जानकारी लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।